सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिलीटेड फाइल्स को कैसे रिकवर किया जाता है। हो सकता है आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आप लोगों ने अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या किसी पेन ड्राइव में सेव कर रखी हो और वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव आपसे गलती से फॉर्मेट हो गई हो। वैसे तो आजकल सभी स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, हम लोग सारी अपनी फ़ोटो वीडियो और सारे इंपॉर्टेंट डाटा अपने स्मार्टफोन में सेव रखते हैं, बट कभी कभी हमसे स्मार्टफोन से भी वो फाइलें डिलीट हो जाती हैं और हम उन फाइलों को बाद में रिकवर करने की पूरी कोशिश करते हैं बट वो रिकवर हो नहीं पाती हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी डिलीटेड फाइल को रिकवर करना सीखेंगे जो हमसे फ़ोन में से या किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में से डिलीट हो गई हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। हमें गूगल पर जाना है और यहाँ टाइप करना है पैरेटो लॉजिक डाटा रिकवरी। फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू मैंने कई अपने डिलीटेड डाटा को रिकवर किया है और इसको मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। तो आप जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे इसको, तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का इसका लिंक मिल जाएगा। वैसे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पीसी में। तो जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक इसका सेटअप फाइल मिलेगी। इस सेटअप फाइल को हमें इंस्टॉल करना है अपने पीसी में। तो इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ आपको ऐसा दिखेगा और उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली फ्रेंड्स नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये देखिए, इसको मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये ट्रायल वर्जन है। अगर आपको इसको क्रैक करना है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आपको इसका क्रैक वर्जन भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका इंटरफेस ऐसा आ गया, डेस्कटॉप पे आइकन बन गया। इसको ओपन कर लेते हैं आप। इस पर देखिए, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्कैन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, क्विक स्कैन, फुल स्कैन और गाइड स्कैन। अगर आपने कोई पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या अपने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है अपने डिवाइस में, तो आप एडवांस पे जाके यहाँ पे वो ड्राइव आपकी दिख जाएगी। आप उन ड्राइव को सेलेक्ट करके कस्टम स्कैन कर सकते हैं और सारी डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मैं एक पेन ड्राइव लेता हूँ, उसके अंदर कुछ फाइलें मूव करके फिर उसको डिलीट करके और उसको फिर रिकवर करके देखते हैं रिकवर होती है कि नहीं रिकवर होती है। तो मैं यहाँ पे अपने एक पेन ड्राइव इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, पेन ड्राइव मेरी ओपन होगी, अब इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मेरी पेन ड्राइव है, यहाँ पर कोई फाइल नहीं है अभी। इसके अंदर मैं कुछ फाइलें मूव कर देता हूँ। तो ये देखिए, मेरा फ़ोटो का फोल्डर्स है। अब इसके अंदर तीन फ़ोटो है मेरी, हम तीनों को मैं ओपन करके दिखा दूँ पहले आपको। तो यहाँ देखिए, आप तीनों फ़ोटो आपको दिख जाएंगी, ये पहले दूसरी और एक ये तीसरी फ़ोटो। तो अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों फ़ोटो को कॉपी करके और पेन ड्राइव में पेस्ट कर दूँगा। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेन ड्राइव में पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद एक वर्ड की फाइल और लेते हैं और उसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके फॉर्मेट मार के ट्राई कर लेंगे ये रिकवर होती है कि नहीं रिकवर होती है। तो ये देखिए, मैंने एक कॉपी अपनी वर्ड की एक फ़ाइल कॉपी कर ली और इसको पेन ड्राइव में मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास अब चार फाइलें हो गई फ्रेंड्स, ये चार फाइलों को मुझे रिकवर करना है। तो सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट मार लेता हूँ। तो यहाँ फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई है और एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं ओपन करके। तो फाइनली सब कुछ डिलीट हो चुका है। तो अब इसका डाटा रिकवर करके देते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं एडवांस स्कैन पे जाऊँगा और मैं अपनी उसी ड्राइव को सेलेक्ट कर लूँगा जिसका मुझे डाटा रिकवर करना है, जैसे कि मेरी पेन ड्राइव। अगर आपको फ़ोन का डाटा रिकवर करना है तो फ़ोन को डाटा केबल के थ्रू पीसी से कनेक्ट कर दीजिए और अपने ड्राइव फ़ोन के ड्राइव को सेलेक्ट करके उसका डाटा रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे डाटा रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इस पूरा स्कैन कंप्लीट होने दीजिएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका सारा डाटा रिकवर हो चुका होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा डाटा कितना रिकवर हो चुका है। तो
तो यहाँ पे आप देखेंगे कई चीज़ें रिकवर हो चुकी हैं, जैसे कि इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, और इमेजेस पे आप देखेंगे तो 544 आइटम्स रिकवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए सब फाइलों के नाम भी आ गए, जैसे .bmp, JPG और PNG फाइलें सारी रिकवर हो चुकी हैं। ये पता नहीं कब की फाइलें हैं फ्रेंड्स, सारी रिकवर हो चुकी है मेरी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए फ़ोटो वाली रिकवर हो चुकी है जो हमने डिलीट करी थी पेन ड्राइव से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आप माउस का कर्सर लाएंगे तो आपको फ़ोटो दिखा देगा जो भी रिकवर हो चुकी होंगी। तो एक बार ट्राई कर लें, दोनों फ़ोटो सेम है, ये देखिए दोनों फ़ोटो सेम है, दो फ़ोटो हमारी रिकवर हो चुकी हैं और तीसरी भी रिकवर हो चुकी होगी फ्रेंड्स। वो कई 544 आइटम्स है, तो कहीं ना कहीं वो भी बीच में होगी। तो हम लोग इसको सीधा सारी फ़ोटो को रिकवर कर लेते हैं। तो मैं सिंपली इमेज पे क्लिक कर दूंगा और डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि हमारी एक वर्ड की फ़ाइल भी थी जो रिकवर हमें करनी थी, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दिया। और बाकी हम देखेंगे तो ऑडियो वीडियो भी फाइल रिकवर हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखिए कई वीडियो भी फाइलें रिकवर हो चुकी हैं, बट पता नहीं ये वीडियो कब कहाँ की है मेरी, कब की है, वो भी इसने रिकवर कर दी है। तो मैं अभी दो चीज़ों को रिकवर कर देता हूँ। तो हम सेलेक्ट करके रिकवर पर क्लिक करेंगे तो ये एक रिकवरिंग चालू कर देगा सारी चीज़ों की। तो यहाँ रिकवरिंग डन हो गई है, ये दोनों फोल्डर हमारे रिकवर हो चुके हैं। तो आप डेस्कटॉप पे देखेंगे तो रिकवर आइटम एक फोल्डर बन गया होगा। इस फोल्डर को ओपन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे इमेजेस जो हमने डिलीट किए थे वो रिकवर हो चुके हैं। वर्ड वाली फाइल भी हमारी रिकवर हो चुकी है। एक बार ट्राई कर लें कि और तो कोई वर्ड की फाइल नहीं है। तो अभी हमारे पास सिर्फ दो वर्ड की फाइल ही शो कर रहे हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं जो वर्ड का जो मैटर है वो सेम मैटर है या नहीं। तो पहले मैं आपको ओपन करके दिखा दूं, ये एक रिज्यूम है। और अब जो इसमें जो रिकवर फाइल हुई है उसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैटर, ये वाला मैटर नहीं है हमारा। तो हम लोग दूसरे वर्ड के फाइल को ओपन करके देख लेते हैं, तो ये मैटर हमारा वही मैटर है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं इस रिज्यूम को कंटिन्यू ओपन करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये मेरा पर्सनल रिज्यूम है और डेफिनेटली ये रिकवर हो चुका है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि जो भी मैंने फ़ोटो डिलीट मारे थे वो सारे रिकवर हो चुके हैं और मेरी वर्ड की फ़ाइल भी रिकवर हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको अगर किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव का डाटा रिकवर करना है जो आपसे डिलीट हो चुका है, उस ड्राइव को आप अपने PC में कनेक्ट कर लें, और जो भी हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया था पैरेटो डाटा रिकवरी उसको ओपन कर लेना है। और हमें एडवांस स्कैन पे जाके, मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से, तो ये देखिए जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एडवांस स्कैन आएगा, और यहाँ पे उस ड्राइव को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसका आपको डाटा रिकवर करना है, चाहे वो आपके पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, फ़ोन हो या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो। तो इसके थ्रू आप अपना सारा डाटा रिकवर कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है फ्रेंड्स, लेकिन डेफिनेटली 100% आपका सारा डाटा रिकवर करके देता है। तो आप भी ट्राई कीजिए, सारा डाटा जो भी डिलीट किया उसको रिकवर करें। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।